देखिए स्टूडेंट, आईआईटी मेन 2013 का पेपर हम सोल्व कर चुके थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 67 तक। आगे शुरू करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 68। स्टेटमेंट है इसका, ए रे ऑफ लाइट अलोंग एक इक्वेशन दे रखी है स्ट्रेट लाइन की, एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू रूट थ्री। ए रे ऑफ लाइट अलोंग एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू रूट थ्री। ये कह रहा है कि एक रे है वो इस पाथ को फॉलो कर रही है। गेट रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पहुंच के स्ट्राइक करके इससे वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी उसकी इक्वेशन क्या होगी। ऑप्शन है इसमें फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट थ्री, बी ऑप्शन इज रूट थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट थ्री, एंड सी ऑप्शन इज y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री, एंड डी ऑप्शन इज रूट थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक रे है वो इस पाथ पे आ रही है, एक्स एक्सिस से स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे आएगी इनमें से कौन सी होगी, यानी उस रे की इक्वेशन क्या होगी, कौन से पाथ को फॉलो करेगी, कि हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो रे है जिसकी इक्वेशन दे रखी है रे की, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, रूट थ्री वाई इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस एक्स प्लस रूट थ्री, एंड वाई इज इक्वल टू रूट थ्री को वाई में लेके आए इधर, वन बाई रूट थ्री वाई सॉरी एक्स प्लस रूट थ्री के वाई में रूट थ्री करेंगे वन आ जाएगा। इसको हम कंपेयर करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m हमें क्या मिलेगा, स्लोप, x का जो कोफिशिएंट है वो हमें स्लोप देगा, ये आया माइनस वन बाई रूट थ्री। स्लोप यानी टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री। अब टेन की वैल्यू नेगेटिव है तो थीटा बिलोंग करेगा कौन से क्वाड्रेंट से, सेकंड क्वाड्रेंट से, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस वन बाई रूट थ्री, कितने पे होती है वैल्यू, 30 पे, तो ये आ जाएगा 5π/6। ये थीटा डिग्री में कन्वर्ट करें तो इसको ये 30 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 डिग्री, यानी ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये रे आई, एक्स एक्सिस से स्ट्राइक किया इस पॉइंट पर, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, इस रे की हमें इक्वेशन बतानी है, और ये जो एंगल है ये वाला, ये आया है 150 डिग्री, कितने का है ये, 150 डिग्री का। और अगर यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा करें तो ये हमें पता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो बिल्कुल क्लियर है कि ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है पूरा ये 150 का है, तो ये कितने का आएगा, 30 का, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, 30 का, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 कह सकते हो 30 डिग्री, और स्लोप हो जाएगा, स्लोप रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप हो जाएगा 10/30 यानी 1/√3। ये स्लोप आ गया, इसका स्लोप आ गया। अब देखिए स्लोप आने के बाद अगर किसी तरीके से हमें ये पॉइंट और मिल जाए तो इस रिफ्लेक्टेड रे की हम इक्वेशन बता सकते हैं। अब ये पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो पॉइंट है, इस जो हमारी इंसिडेंट रे थी इस एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक कर रही है, और ये हमें क्लियर पता है एक्स एक्सिस पर x की वैल्यू, मान लीजिए x1 है, y की वैल्यू 0 होगी, x
एक्सिस है तो वाई का मान जीरो होना है। तो आप इसमें क्या करें, ये जो इंसिडेंट रे है जो हमें गिवन है इसमें आप वाई के स्थान पर जीरो पुट कर दीजिए, पुट वाई इज इक्वल टू जीरो इनटू फर्स्ट इक्वेशन में वाई के स्थान पर क्या रख दिया, जीरो रख दिया। जीरो रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया रूट थ्री, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास रूट थ्री कोमा जीरो। अब हम इसकी इक्वेशन बता सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, ये वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन की वैल्यू है यहां जीरो इज इक्वल टू स्लोप आया वन बाई रूट थ्री, ये यहां पुट कर दिया वन बाई रूट थ्री, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू रूट थ्री, रूट थ्री। वाई इज इक्वल टू रूट थ्री को इधर ले आइए, रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट थ्री, मैच कर लीजिए ऑप्शन, ये है नहीं रूट थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट थ्री, बिल्कुल एज इट इज है, बी आंसर इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है इसमें द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन गिवन है यहां पे, फर्स्ट इक्वेशन इज के प्लस वन इंटू एक्स प्लस एट वाई इज इक्वल टू फोर के, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड वन इज के एक्स प्लस के प्लस थ्री इंटू वाई इज इक्वल टू थ्री के माइनस वन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, यानी आप कह सकते हो ये गिवन है कि इनके नो सोल्यूशन है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ऑप्शन में हमें दे रखा है पहले ऑप्शन में के की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट यानी बहुत सारी होंगी अनकाउंटेबल, दूसरे में है बी के की वैल्यू वन होगी, सी ऑप्शन में के की वैल्यू दो होगी, डी ऑप्शन में के की वैल्यू तीन होगी, ये हमें पता करना है। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, टेंथ क्लास का टॉपिक है। अब टेंथ क्लास का टॉपिक क्या है कि मान लीजिए ऐसे दो इक्वेशन दे रखी हो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई माइनस सी वन इक्वल टू में ले लीजिए सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। तो टेंथ क्लास में आता है ये टॉपिक कि नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन के लिए ये जो रेशो होता है और ये तीसरा रेशो ए वन बाई ए टू एक्स का कोफिशिएंट का रेशो वाई के कोफिशिएंट के रेशो के इक्वल होना चाहिए, और तीसरा जो रेशो होता है कॉन्स्टेंट का वो इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये कॉन्स्टेंट या तो दोनों इधर हो या इधर हो, यानी या तो इस तरफ लेके आए इक्वेशन में इक्वल टू में जीरो बना ले या इक्वल टू में उधर ले आर एच एस की तरफ ले ले राइट हैंड की तरफ। तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि क्या है, पहले एक्स के कोफिशिएंट का एक्स के कोफिशिएंट के साथ रेशो, वाई के कोफिशिएंट का वाई के साथ रेशो और कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट के साथ रेशो, पहले दोनों रेशो इक्वल होने चाहिए तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं पहले ये दोनों रेशो ले लेते हैं, ये वाला ए वन बाई ए टू करते हैं इक्वेशन में, ये ए वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए टू के प्लस वन बाई के इज इक्वल टू एट वाई का कोफिशिएंट है या एट बाई के प्लस थ्री, और सी वन बाई सी टू को अलग रख लेते हैं, सी वन बाई सी टू इज इक्वल टू फोर के बाई थ्री के माइनस वन। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, के प्लस वन इन टू के प्लस थ्री इज इक्वल टू एट के, मल्टीप्लाई कर दीजिए के स्क्वायर प्लस थ्री के के और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस थ्री, साथ में इसको इधर भी ले आइए एट के इज इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर थ्री के में के को ऐड करेंगे फोर के
माइनस का 8k है, क्या बच जाएगा माइनस का 4k। अब बचा गया कॉन्स्टेंट में 3, ये 3 हो गया इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ गई, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। केस के सम या डिफरेंस तो ऐसी टू नंबर्स जिनका सम या डिफरेंस माइनस फोर प्रोडक्ट हो 3, तो ये आ जाएगा माइनस 3 एंड माइनस 1। सम जो है वो माइनस 4 आएगा, प्रोडक्ट हो 3 आ जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस 3k माइनस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले पेयर में कॉमन देखिएगा, k कॉमन है k माइनस 3, दूसरे पेयर में माइनस 1 कॉमन k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस पेयर में और इस पेयर में कॉमन k माइनस 3 इनटू k माइनस 1, ये बाहर आ गया, यहाँ k बच गया, ये बाहर आ गया, यहाँ क्या आ गया माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ गई 3 और k की वैल्यू आ गई 1। k के हमारे पास दो वैल्यू आई है, तो हमारा आंसर हो सकता है 2। लेकिन अभी एक कंडीशन बची हुई है कि ये जो तीसरा रेशो है ये नॉट इक्वल होना चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, अब k की वैल्यू 3 रखेंगे, पहले आप इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल है, कोई इसमें रख दीजिए। मान लीजिए मैं इस पार्ट में रख रहा हूँ, तो यहाँ से b1 by b2 दूसरा रेशो है b1 by b2 का, ये आ जाएगा 8/3 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 + 3 = 6, ये आ गया, अभी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 = 3, यानी 4/3। अब c1 by c2 भी फाइंड आउट करते हैं। c1 by c2 is equal to k की वैल्यू आप रख दीजिए, इसमें 3 12 हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 3 रखो, 3 की 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा दोनों नॉट इक्वल ही आ रहे हैं, कंडीशन क्या थी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल आएंगे कन्फर्म है, तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं है। यानी k की जो वैल्यू है 3 वो आप ले सकते हो, एक्सेप्टेबल है ये, या k की वैल्यू 3 जो है वैलिड है। अब k की वैल्यू एक बच गई 1 पे फाइंड आउट करते हैं, k इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो यही रेशो b1 by b2 इज इक्वल टू 8/, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1, 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4, यानी इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2/1। एंड c1 by c2 इसमें भी रख दीजिए k की वैल्यू 4 × 1, यहाँ 1 रखेंगे, 3 - 1 4/2, ये रेशो आ जाएगा 2/1, यानी ये दोनों सेम आ रहे हैं। और कंडीशन क्या थी, सेम नहीं आनी चाहिए, यानी k की वैल्यू ये जो है एग्जैक्ट, तो हमारे पास k की वैल्यू सिर्फ क्या बच गई 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, k की वैल्यू सिर्फ 1 ही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया था ये 69 क्वेश्चन नंबर 70 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन x² + 2x + 3 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन ax² + bx + c = 0 abc all are belongs to real number have a common root। ये कह रहे हैं दोनों इक्वेशन जो है उसमें एक रूट जो है वो कॉमन है, have a common root। then रेशो पूछा गया है a रेशो b रेशो c क्या आएगा, ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन इज
1, 2, 3. Second option is 3, 2, 1. Third option is 1, 3, 2. And last D option is 3, 1, 2. इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन, हम क्या करते हैं पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे, फैक्टर इसमें हो नहीं रहे, फैक्टर नहीं हो रहे तो हम क्या करते हैं पहले डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इस इक्वेशन के लिए ए होता है एक्स का कोफिशियंट, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का, सॉरी ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है, ऐसे इसका जो कोफिशियंट है वो ए हो जाएगा। सी होता है कॉन्स्टेंट टर्म, बी होता है एक्स का कोफिशियंट। तो इस इक्वेशन के लिए यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो वन हो जाएगी, यहाँ वन रख देंगे, वन पुट कर देंगे। बी की वैल्यू टू और वैल्यू ऑफ सी इज थ्री, सो टू का स्क्वायर करेंगे फोर माइनस फोर इंटू, ए की वैल्यू कितनी है वन और सी की वैल्यू कितनी है थ्री, फोर माइनस ट्वेल्व ये आ गया माइनस एट, यानी लेस देन जीरो। डी की वैल्यू लेस देन जीरो है, इसका मतलब है नो रियल, नो रियल रूट। तो रियल रूट नहीं है तो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। तो इमेजिनरी रूट हो सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी रूट होंगे भी, हो सकते नहीं होंगे। इसके जो कोफिशियंट है तीनों, एक्स का कोफिशियंट जो वन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट टू है और कॉन्स्टेंट टर्म है थ्री। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशियंट होते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म होती है, अगर वो रियल है, सारी रियल नंबर है, ये देखिएगा इसने बोला है रियल नंबर, अगर सारे कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म रियल नंबर है तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो रूट्स है या तो रियल होंगे, यहां पे नो रियल रूट है, या तो रियल होंगे दोनों, और यदि रियल नहीं है तो इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे इमेजिनरी। और उसके साथ साथ एक कंडीशन आएगी, जो बोथ रूट है, दोनों रूट जो है वो कंजुगेट पेयर में होंगे, यानी एक रूट जो है दूसरे का क्या होगा कंजुगेट। अब इसने क्या बोला है कि एक ही कॉमन रूट है, अब मान लीजिए इसका कोई रूट है ए प्लस आल्टा बी, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा ए माइनस आल्टा बी। अगर इन दोनों में से इस इक्वेशन के साथ कोई भी एक रूट, ये रूट कॉमन हुआ तो सीधी सी बात है ये रूट भी होगा इसका, यानी ये दोनों रूट क्या होंगे कॉमन होंगे, एक रूट कॉमन नहीं हो सकता, दोनों रूट क्या होंगे कॉमन होंगे। यानी ये जो इक्वेशन है, जो दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन एक ही है, क्योंकि एक रूट कॉमन है तो सीधी सी बात है दूसरा रूट भी कॉमन होगा, क्योंकि कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक इसका इमेजिनरी रूट है, ए बी सी रियल है, तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी ही होगा और वो उसका कंजुगेट होगा। यानी दोनों इक्वेशन सेम हो गई, फर्स्ट जो है वो सेकंड इक्वेशन ही, तो दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू यानी रेशियो जो है कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू टू, सी की वैल्यू थ्री, और रेशियो लेंगे तो क्या आएगा वन रेशियो पूरे सो थ्री। इसका रेशो, इसका रेशो, इसका रेशो, इसका रेशो, ए का रेशो, ए बी सी का रेशो क्या आएगा वन टू थ्री, क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द सर्कल पासिस थ्रो 1-2 एंड टचिंग द एक्सिस ऑफ एक्स एट 3,0 आल्सो पासिस थ्रो द पॉइंट। सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन का मतलब सर्कल की इक्वेशन हमें नहीं दे रखी, सर्कल की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सर्कल जो है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हमें,
क्या क्या कोऑर्डिनेट है, 1 माइनस 2, ये कोऑर्डिनेट। आगे इसने कहा है, जो ये सर्कल है, ये बड़ा सर्कल, ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, टच कर रहा है, कहां टच कर रहा है, 3,0 पर। और फिर ऑप्शन में चार पॉइंट दे दिए, ऑप्शन में चार पॉइंट, पहला पॉइंट है -5,2, सेकंड पॉइंट है 2,-5, थर्ड पॉइंट है 5-2, और लास्ट पॉइंट है -2,5। इसके बाद पूछा है कि ये जो सर्कल है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 3,0 पर, आगे कह रहा है कि ये जो सर्कल है इन चारों पॉइंटों में से किस पॉइंट से पास होगा, ये हमें बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन दी हुई है। कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, अभी टच कर रहा है किसको, 3,0 पर, 1, 2, 3, यहां आ गया ये पॉइंट, सर्कल यहां टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, और इस पॉइंट से पास हो रहा है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की -2 है, एक्स की वैल्यू 1 ये हो गई यहां, 1, 2, 3, वाई की वैल्यू -2 है, -1, -2, यानी यहां जो पॉइंट आएगा इससे पास हो रहा है, यानी सर्कल जो है वो ऐसे बन जाएगा। इस तरीके से यहां टच कर रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, यानी टच करने का मतलब इस पॉइंट से भी पास हो रहा है 3,0 से। ये सर्कल का मान लीजिए सेंटर है, तो अगर हम इसको मिलाएं तो जो रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी, रेडियस और ये वाली जो एक्स एक्सिस है किसका काम करेगी, टेंजेंट का काम करेगी, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी ये जो लेंथ है, इस ये जो लेंथ है ये हमारे पास 3 है, और ये 90 डिग्री का, ये दोनों पैरेलल हो गई, पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट आएगा, ये लेंथ होगी y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट ये लेंथ होगी, तो ये लेंथ है हमारे पास कितनी, 3, y कोऑर्डिनेट नहीं है, y कोऑर्डिनेट को मान लिया k, और साथ में क्योंकि ये डिस्टेंस जो है इस y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है ये k है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट आएगा, और साथ में ये जो k है, ये वाली लेंथ जिसका, जो हमारी के आई है, ये रेडियस का भी काम करेगी, यानी इस सर्कल का सेंटर हो गया, सेंटर सर्कल का हो गया 3,k, और रेडियस हो गई सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल इज आल्सो के। सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स माइनस एच का स्केयर, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट h,k हम लेट कर लेते हैं, प्लस वाई माइनस के स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, ये सर्कल की इक्वेशन हो गई, सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला भी कह सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन हो गई, यहाँ एच की वैल्यू 3, एक्स माइनस 3 का स्केयर प्लस वाई, के की वैल्यू के ही रखी जाएगी, इज इक्वल टू आर की वैल्यू, रेडियस जो है वो के ही है, के स्केयर। अभी देखिएगा, इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें k की वैल्यू और चाहिए, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक पॉइंट और गिवन है जिससे सर्कल पास हो रहा है, तो सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा था, तो सर्कल जो है इस, ये जो पॉइंट है इस सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो ये जो पॉइंट है इसको आप सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ x की वैल्यू 1 रख दीजिए और y की वैल्यू कितनी रख दीजिए, -2, 1 रखेंगे यहाँ पर, 1-3 इसका स्केयर प्लस -2 माइनस के इसका स्केयर इज इक्वल टू के स्केयर, 1-3 -2 आएगा, स्केयर करेंगे 4, दोनों वैल्यू नेगेटिव है, बाहर लेंगे नेगेटिव को, स्केयर है पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2 प्लस के का होल स्केयर।
अब ये स्केयर खोलेंगे, 2 का स्केयर 4 प्लस के स्केयर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू के, और इज इक्वल टू में के स्केयर। ए प्लस बी का होल स्केयर की आइडेंटिटी ओपन कर दी। 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 प्लस के स्केयर प्लस 2 इंटू 2 4k इज इक्वल टू के स्केयर। के स्केयर से के स्केयर कैंसिल, 8 प्लस 4k इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू -8 एंड k इज इक्वल टू -2। तो k की वैल्यू आ गई। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x माइनस 3 का स्केयर प्लस y, k की वैल्यू -2 रखोगे, माइनस ऑलरेडी आ गए, प्लस हो जाएगा प्लस 2 इसका स्केयर एंड इज इक्वल टू में k का स्केयर, k कितना है -2, स्केयर करेंगे तो 4। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हमें ये देखना है कि ये सर्कल इन चारों में से कौन से पॉइंट से पास हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जिस भी पॉइंट से पास होगा, चाहे वो पहले वाला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, वो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब इन चारों पॉइंटों को एक एक करके हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट रखते हैं, पहला जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू है -5। तो देखिएगा, अगर -5 रखते हैं यहां पर, -5 -8 हो जाएगा, स्केयर करेंगे 64, कितना स्केयर हो गया 64, इधर 4 है, 4 है, ये पॉजिटिव है, 64 में कुछ ऐड करोगे 4 तो कभी भी नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में x की वैल्यू है 2 रखेंगे, 2 माइनस 3 इसका स्केयर प्लस 2 प्लस 2, 4 का स्केयर 16, ये फिर 4 से ज्यादा जा रहा है, यानी ये ऑप्शन भी रिजेक्ट, ये वाला भी नॉट पॉसिबल। ये वाला रखते हैं 5.2, यहाँ 5 रखेंगे, 5 माइनस 3 इसका स्केयर प्लस, या जैसे ही यहाँ 5, जैसे ही आप यहां पर y की वैल्यू कितने रखोगे, -2 रखेंगे 0, -2 प्लस 2 इसका स्केयर इज इक्वल टू 4, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 2, 2 का स्केयर 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, यानी 4 इज इक्वल टू 4, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। यानी ये जो सर्कल है इसकी जो इक्वेशन आई है, ये सर्कल जो है वो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 एपी का दे रखा है, ये सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का है। एक्स वाई जड आर इन एपी, एक्स वाई जड आर इन एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखे हैं, एक्स वाई जड आर इन एपी एंड इसके साथ साथ tan inverse x tan inverse y एंड tan inverse z, ये भी किसमें दे रखे हैं, एपी में, यानी एक्स वाई जड ये भी एपी में है, और x tan inverse x tan inverse y tan inverse z ये भी किसमें है, एपी में है। देन चार ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, सेकेंड ऑप्शन इज 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 6z, सी ऑप्शन इज 6x 3y 2z, डी ऑप्शन इज 6x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 3z, यानी कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। तो देखिएगा एपी की क्या कंडीशन होती है, कि जो बीच वाला अर्थमेटिक मीन जो होता है, बीच में जो दो टर्म के बीच वाला जो होता है उसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, एम अर्थमेटिक मीन। ये जो अर्थमेटिक मीन है इसका डबल यदि एपी में है तो इन दोनों के सम के इक्वल होता है, एक्स प्लस जड के इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन में होगी। अब क्योंकि ये भी एपी में है तो वही है, ये बीच वाला अर्थमेटिक मीन होगा, इसका डबल 2 tan inverse y इन दोनों के सम के इक्वल, यानी tan inverse x प्लस
tan इनवर्स जेड। कुछ नहीं किया हमने इसमें, सिर्फ एपी की जो कंडीशन है वो अप्लाई की है। एपी की क्या कंडीशन होती है, जो बीच वाली टर्म होती है जो अर्थमेटिक मीन होता है उसका डबल किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का सम। इसमें भी यही किया हमने, इसमें भी यही किया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज कर देंगे, टू टेन इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स इसका डबल हो जाता है टू वाई बाई में वन माइनस इसका स्केयर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, ये किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स ऊपर सम होता है नीचे वन माइनस ए बी। यहां अप्लाई करेंगे तो ये आएगा टेन इनवर्स, ऊपर सम हो गया न्यूमरेटर में, नीचे वन माइनस दोनों की प्रोडक्ट एक्स्ट्रा। इधर भी टेन ऑपरेटर, इधर भी टेन ऑपरेटर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, टू वाई बाई वन माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई वन माइनस एक्स जेड। अब देखिएगा जो पहली कंडीशन थी फर्स्ट, उससे एक्स प्लस जेड फर्स्ट इक्वेशन से किसके इक्वल है, टू वाई के। तो इसके स्थान पर इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन पुट टू वाई माइनस टू वाई बाई वन माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू टू वाई बाई वन माइनस एक्स जेड, कैंसिल हो जाएंगे, वन बाई वन माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू वन बाई वन माइनस एक्स जेड। रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों तरफ, टेकिंग रेसिप्रोकल वन माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स जेड, वन से वन कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई स्केयर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स जेड। किसकी कंडीशन आ गई है, जीपी की। दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। जीपी की क्या कंडीशन होती है, जीपी की कंडीशन होती है मान लीजिए कोई तीन टर्म है ए बी सी, ये जीपी में है, तो इस बीच वाले का स्केयर इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो बीच में अगर हम y लेते हैं तो y का स्केयर इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अब एक्स वाई जेड फ्रॉम फर्स्ट से, या फर्स्ट से कह सकते हो या गिवन था, एक्स वाई जेड एपी में भी है, एक्स वाई जेड जीपी में भी है। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल होता है, कब, जब एक्स वाई जेड तीनों इक्वल हो, यानी ऐसी सीक्वेंस जो एपी में भी है जीपी में भी है, तो एक ही टाइप से पॉसिबल है, एक ही तरह से पॉसिबल है कि तीनों की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जेड। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए, ए इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 मैथमेटिकल रीजनिंग से है, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें। स्टेटमेंट फर्स्ट, पी एंड नोट क्यू एंड नोट पी एंड क्यू इज फॉल्सी। सेकेंड स्टेटमेंट है इसमें, पी इंप्लाइज क्यू, इफ देन भी कह सकते हो आप, इफ पी देन क्यू, डबल इंप्लाइज यानी इफ एंड ओनली इफ, नोट क्यू इंप्लाइज नोट पी इज टोटोलॉजी।
टोटोलॉजी। तो इसमें स्टेटमेंट दे रखा है, पहले में है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये वाला जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट सेकंड फर्स्ट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड, और लास्ट ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन है फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, और डी ऑप्शन है न तो फर्स्ट ट्रू है सॉरी फर्स्ट ट्रू है सेकंड क्या है फॉल्स। तो हमें देखना है अभी कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, आगे डिसाइड करेंगे ऑप्शन को। फिर ये पहले वाला तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक टेबल बनती है ट्रूथ टेबल, वो बनाएंगे। दो स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट है यहां पर, स्टेटमेंट जो है दो। तो फॉर्मूला होता है भाई ट्रूथ टेबल के अंदर कितनी वैल्यू ली जाएगी, वो होता है टू रेज टू पावर एन। तो यहां एन की वैल्यू कितनी है, दो, टू रेज टू पावर टू ये हो जाएगा फोर, यानी चार ट्रूथ वैल्यू आएंगी। ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, एक तो टी होती है एक फॉल्स होती है, इन्हीं का ही हमने रिपीटेशन करना है क्योंकि वैल्यू तो दो ही होती है, तो ट्रू होगा स्टेटमेंट या क्या होगा फॉल्स होगा, लेकिन ये कह रहा है कि चार बार लिखे जाएंगे तो दो बार ट्रूथ हो जाएगा, दो बार क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। टेबल बना लीजिए ऐसे पी क्यू, इसमें लिख लीजिए पहले, अब चार बार है तो दो बार ट्रूथ आएगा टी आएगा, दो बार क्या आएगा फॉल्स, इधर लिख दीजिए टी टी फॉल्स फॉल्स, टी के सामने टी, टी के सामने टी आ चुका है तो क्या आएगा फॉल्स, एफ एफ के सामने अभी आया ही नहीं था, एक बार फॉल्स कर दे, एक बार ट्रू कर दे और एक बार क्या कर दे फॉल्स कर दे, यानी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रू ट्रू हो गया तो ट्रू ट्रू दोबारा नहीं आना चाहिए, टी एफ आ गया ट्रू फॉल्स आ गया टी एफ ट्रू फॉल्स दोबारा नहीं आना चाहिए, फॉल्स ट्रू आया दोबारा नहीं आना चाहिए, फॉल्स फॉल्स नहीं, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए इसका। अच्छा अब इसमें क्या है, नोट क्यू है नोट पी है, अभी बना के लिख लीजिए इसमें नोट पी नोट क्यू, नोट का मतलब है अगर वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी, ट्रू है फॉल्स, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है ट्रू, नोट क्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ये बन गए। अब इस पे चलते हैं पहले स्टेटमेंट पे, पहले स्टेटमेंट में P का एंड है किसके साथ, नोट Q के साथ। अब हमें इसको ध्यान रखना है ये कि दो स्टेटमेंट के बीच में एंड हो, ट्रू कब आता है रिजल्ट फॉल्स कब आता है, तो एंड के अंदर अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है तो ट्रू आएगा दोनों, बाकी सब जगह क्या आएगा फॉल्स आएगा, यानी ट्रू ट्रू में ही ट्रू आएगा बाकी सब जगह क्या आएगा फॉल्स आएगा। तो एंड कर रहे हैं इसका, पी का एंड कर रहे हैं नोट क्यू के साथ, ये पी रहा ये नोट क्यू रहा ये वाला नोट क्यू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, अभी बताया ट्रू 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 आएगा बाकी सारे फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स, ठीक है आगे चलते हैं इसमें। अब इसका एंड करना है किसके साथ, नोट पी का क्यू के साथ, नोट पी ये रहा क्यू ये रहा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, नोट पी का क्यू के साथ फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 और ट्रू फॉल्स फॉल्स। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए इसको, यहां से चेक करते हैं, इसको हमने क्या लिया टी टी एफ एफ, क्या वो हमने क्या लिया टी टी के साथ एफ, एफ के साथ टी, एफ के साथ एफ, नोट पी फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, नोट क्यू ट्रू है तो फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू, एंड निकाल देते पी का नोट क्यू के साथ, एंड पी का नोट Q
क्यू के साथ एन, इनका ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू 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 हो गया, अच्छा फॉल्स 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 हो गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया, ये आ गया। अब इसमें चलते हैं, इसमें क्या होगा भाई, नोट पी का क्यू के साथ एंड, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, नोट पी का चल रहा था, नोट पी का इसके साथ फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 और टी एफ फॉल्स, ये हो गया। अब इन दोनों का नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का एंड लेना है, इन दोनों का एंड यही कर देता हूं मैं नीचे, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्योंकि टी टी आएगा तो ही ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यानी इसके सारी वैल्यूज क्या आ गई, फॉल्स आ गई। अब ऐसा स्टेटमेंट जिसकी सारी वैल्यूज फॉल्स आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स ही बोलते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, सेकेंड ऑप्शन में है पी यू इम्प्लाइज क्यू, पहले ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, पी का क्यू के साथ इम्प्लाइज, अच्छा इम्प्लाइज में अब हमें क्या ध्यान रखना है, इम्प्लाइज में अगर टी एफ आता है तो ही फॉल जाएगा, ये हमें याद रखना है, बाकी सब जगह ट्रू आएगा। तो पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू ट्रू ट्रू, टी एफ अभी लिखा ही बताया आपको, टी और एफ ये आपको क्या देगा, इम्प्लाइज में फॉल्स देगा, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स एफ टी ट्रू एफ एफ ट्रू इम्प्लाइज। अब इस इम्प्लाइज का अभी हमें ये भी निकालना है, ये भी फाइंड आउट करना है, नोट क्यू इम्प्लाइज नोट पी, नोट क्यू ये वाला नोट पी ये वाला इम्प्लाइज करना है, एफ एफ ट्रू ट्रू फॉल्स, टी एफ आ रहा है फॉल्स, एफ टी ट्रू टी टी ट्रू। अब इन दोनों के बीच में क्या है, डबल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज में याद रखिएगा दोनों ट्रू हो तब ट्रू आता है और दोनों फॉल्स हो तब ट्रू आता है, तो एंड लेना है, सॉरी डबल इम्प्लाइज लेना है इनका, तो यहां बना देते हैं टेबल, यहां लिख देंगे इसमें ट्रू ट्रू ट्रू, दोनों फॉल्स है फिर ट्रू, दोनों ट्रू है फिर ट्रू, दोनों ट्रू है फिर ट्रू, यानी सारे ट्रू आ गए, सारे ट्रू आ गए, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, टोटोलॉजी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन नंबर 74, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स साई एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 एंड एफ ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, इसकी वैल्यू पूछी गई है और ऑप्शन हमें गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज 1/3, लिख देता हूँ बोर्ड पे, सेकंड ऑप्शन
ए ऑप्शन। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में फाइव एक्स दे रखा है, साई एक्स दे रखा है, एक्स रेज टू पावर फाइव एफ ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, इसकी वैल्यू पूछे इन चार ऑप्शन में से कौन सी होगी। तो देखिएगा कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, यहाँ एक्स क्यूब है तो इसको हम क्या करेंगे, लीनियर वेरिएबल बनाएंगे। अभी यहाँ क्यूबिक है तो लीनियर बनाने के लिए हमें इसको टी पुट करना पड़ेगा, तो टी पुट करने के लिए यहाँ एक्स की पावर फाइव है, फिर हम इसको ब्रेक करना पड़ेगा इसी पावर के रूप में, और इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इसका हमें डेरिवेटिव भी चाहिएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तीन पावर आगे आएगी, एक पावर हो जाएगी कम, यानी स्केयर, तो स्केयर इससे हम यहाँ बना लेंगे, तीन पावर भी बन जाएगी स्केयर भी बन जाएगा। इस इंटीग्रेशन का नाम रख दिया आई, यानी आई इज इक्वल टू, लेट कर लिया इसको, इस एक्स की पावर फाइव को हमने लिख लिया एक्स क्यूब इन टू एक्स स्केयर एफ ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। इसका हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, पुट कर देते हैं इसको, एक्स क्यूब को टी पुट कर देते हैं, डेरिवेटिव करेंगे इसका थ्री एक्स स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू टी का हो जाएगा डी टी। अब इसमें देखिएगा एक्स स्केयर है, डी एक्स भी है, थ्री नहीं है इसके साथ, थ्री को उधर ले जाइए, एक्स स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई थ्री। अब ये बिल्कुल एज इट इज बन गया, ये वाला इस इंटीग्रेशन में रख दीजिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने क्या लेट किया है T, तो यहां आ गया T, ये किस में चला गया डी टी बाई थ्री में, ये हो गया डी टी बाई का जो थ्री है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं वन बाई थ्री। बचा क्या F ऑफ, इसको क्या लेट किया था T, ये हो गया T और ये इंटू में डी टी। I इज इक्वल टू वन बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अब आगे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो कैसे करेंगे, बाई पार्ट करेंगे। अब कन्फ्यूजन ये है कि फर्स्ट कौन से को माने, सेकंड कौन से को माने, तो देखिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्ट तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसमें क्या इसमें तरीका लगाते हैं, सेकंड को हम रखते हैं एज इट इज, फर्स्ट को हम रखते हैं एज इट इज, किसका इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब फर्स्ट का करते हैं डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, ये बात। तो दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में है, हमें क्या करना है यहां पर, सेकंड उसी को मानना है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो, क्योंकि हमें सेकंड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन शुरुआत में ही दे रखा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सिर्फ वेरिएबल का फर्क है, यहां टी है यहां एक्स है, तो हम भी टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, टी रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर टी, यहां पर भी क्या आ जाएगा टी। तो इसका इंटीग्रेशन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे सेकंड और इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे, और आई इज इक्वल टू वन बाई थ्री, कौन सा एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो साई एक्स, यहां करेंगे तो क्या आ जाएगा साई टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का क्या करना है डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव आएगा वन, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन ही रहा फाइव टी और ये डी टी, ये आ गया। यानी आई इज इक्वल टू वन बाई थ्री, टी को वापस रिप्लेस करें, टी को हमने क्या लेट किया था एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब आई, टी की स्थान पे हमने रख दिया क्यूब, माइनस एफ ऑफ, यहां हमने रख दिया साई एक्स क्यूब और ये हो गया टी के स्थान पर एक्स क्यूब। आई इज इक्वल टू वन बाई थ्री एक्स क्यूब साई एक्स क्यूब साई ऑफ एक्स क्यूब माइनस साई एक्स क्यूब और इसको हम क्या लिख सकते हैं थ्री एक्स स्केयर, डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्केयर डी एक्स। अब ऑप्शन में देखिएगा, इससे ऑप्शन में देखने से पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, या फिर आप अगर ऑप्शन देखते हो, क्योंकि ऑप्शन के अंदर दो जगह यहाँ इसमें स्केयर ब्रैकेट यूज की हुई है, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर स्केयर ब्रैकेट और एक लास्ट वाले में, तो देखिएगा वन बाई थ्री, वन बाई थ्री आया एक्स क्यूब, एक्स क्यूब दिक्कत कहाँ रही है, ये भी ठीक है, यहाँ थ्री होना चाहिए, इसमें थ्री नहीं है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट,
सेकंड पे चलते हैं, सेकंड में स्क्वेयर ब्रैकेट का यूज नहीं किया यानी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उससे पहले स्क्वेयर ब्रैकेट वाला देख लेते हैं, वन बाई क्यूब एक्स क्यूब साई एक्स क्यूब माइनस, इसमें फिर यही दिक्कत आ रही है, माइनस थ्री नहीं है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब बाई थ्री साई एक्स क्यूब, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, थ्री कैंसिल माइनस साई एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब देखिएगा इस पे चलते हैं, वन बाई थ्री एक्स क्यूब साई एक्स क्यूब माइनस, इसमें थ्री आ गया, इसमें थ्री नहीं है, इसमें चलिएगा वन बाई थ्री एक्स क्यूब साई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर है, इसमें साई एक्स क्यूब डी एक्स और प्लस में कॉन्स्टेंट सी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी, सी आंसर इज करेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो लिमिट बेस पे है, यानी लिमिट फाइंड आउट करनी हमें, लिमिट x टेंड्स टू जीरो वन माइनस कोस टू एक्स इंटू थ्री प्लस कोस एक्स बाई एक्स इंटू टेन फोर एक्स, ये लिमिट फाइंड आउट करनी। देखिए हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं अगर लिमिट में, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो यहाँ जीरो रखेंगे, टू इंटू जीरो जीरो कोस जीरो वन यानी वन माइनस वन इंटू थ्री प्लस कोस जीरो वन और बाई में यहाँ जीरो और टेन जी यहाँ जीरो रखोगे तो टेन जीरो जीरो, जीरो बाई जीरो टर्म बन रही है यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है हमने, यहाँ पर नीचे दो बार जीरो बन रहा है, ऊपर एक बार जीरो बन रहा है। तो जब भी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी हो तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, अगर इनडिटर्मिनेट टर्म बन रही है तो नीचे जितनी जीरो है उतनी ही जीरो आपको ऊपर बढ़ानी, यानी ऊपर इतनी ऐसी दो टर्म होनी चाहिए, नीचे दो जीरो है तो ऊपर ऐसी दो टर्म होनी चाहिए जिसकी लिमिट एक्स पर जीरो। अब इसमें ये तो फोर हो गया, ये एक ही जीरो, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको हमने ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, यानी ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करने का मतलब है आपको इसकी दो जीरो बनानी है, फिलहाल इसमें एक जीरो है, इससे आपने दो जीरो बनानी है, जब आप एक्स का मान जीरो रखोगे तब। कैसे बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो वन माइनस कोस टू एक्स का फॉर्मूला यूज कीजिए, वो क्या होता है टू साइन स्केयर, इस एंगल का हाफ हो जाता है, x हो जाएगा यहाँ पर थ्री प्लस कोस एक्स और बाई में x टेन फोर एक्स। अब देखिए इसमें जब जीरो रखोगे यहाँ पर तो साइन जीरो का स्केयर यानी साइन जीरो का स्केयर साइन जीरो जीरो उसका स्केयर यानी जीरो का स्केयर जीरो इंटू जीरो दो वैल्यू बन जाएगी, यानी अब ये लिमिट फाइंड आउट हो सकती है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इसको आप डबल लिख लीजिए टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब लिमिट यूज करें लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स कितनी के बराबर होती है वन के, और ऐसे ही एक लिमिट आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन x by x is equal to 1। तो इसके बाई में क्या होना चाहिए x, इसके बाई में क्या होना चाहिए x, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये जो x पहले ही डिनोमिनेटर में था इसको यहाँ अरेंज कर दिया, एक x और चाहिए तो एक x से मल्टीप्लाई और इसी से क्या कर दिया डिवाइड, ये बड़ा अरेंज, ये बड़ा x भी आ गया। अब बचा क्या 2, 2 यहाँ लिख चुके हैं, ये x फालतू है, 10 4x है, इसके ऊपर 10 4x के ऊपर क्योंकि लिमिट जो है लिमिट x टेंड टू जीरो एक्स बाई टेन फोर एक्स सॉरी टेन एक्स ये भी कितना होता है वन, लेकिन ध्यान यहाँ ये रखना है जो एंगल यहाँ है वो सेम यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ फोर एक्स है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए फोर एक्स, फोर से मल्टीप्लाई फोर से क्या कर दिया डिवाइड और बच क्या गया थ्री प्लस कोस एक्स, ये रिजल्ट वन, ये रिजल्ट वन, ये रिजल्ट वन, टू बाई फोर वन बाई टू, और इसमें लिमिट अप्रोच कराएं थ्री प्लस कोस जीरो की वैल्यू वन, यहाँ जीरो रखेंगे लिमिट तो कोस जीरो कितना आ जाएगा वन, थ्री प्लस वन फोर बाई टू इज इक्वल टू टू, तो इस फंक्शन का लिमिट क्या आ गया टू आ गया। अब फंक्शन के अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज माइनस वन बाई फोर, सेकेंड ऑप्शन इज वन बाई टू, थर्ड ऑप्शन इज वन और डी ऑप्शन इज टू, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा डी यानी टू।
क्वेश्चन नंबर 76 स्टेटमेंट टाइप है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट पाई बाई सिक्स एंड अपर लिमिट इज पाई बाई थ्री, यानी पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री डी एक्स बाई वन प्लस के रूट ऑफ टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स. सेकेंड स्टेटमेंट जो है ए से बी तक फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स ए टू बी डी एक्स, ये इक्वल दे रखे हैं. और ये कि स्टेटमेंट दे रखा है फर्स्ट, ये दे रखा है सेकंड, तो वो ऑप्शन उसी टाइप के हैं. फर्स्ट ट्रू हो सेकंड ट्रू हो, फर्स्ट सेकंड जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो फर्स्ट, सेकंड जो है वो फर्स्ट का क्या हो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, या इनमें से कोई भी नहीं, यानी ये फॉल्स हो ये ट्रू ये फॉल्स, बाकी ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं. तो सबसे पहले तो हम सेकंड को देखते हैं. 12th क्लास में एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर है ये प्रॉपर्टी, प्रूफ दे रखा है इसका कि ए से लेकर बी तक अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो आप उसमें ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ए से बी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट उसमें से ये वेरिएबल माइनस कर दें और वो एक्स के स्थान पर सब्स्टिट्यूट कर दें. इस एक्स के स्थान पर क्या करें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और उसमें से ये वेरिएबल माइनस कर दें, ये कर दीजिए तो दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे. इसका मतलब क्या हुआ सेकंड ऑप्शन जो है यानी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब आगे क्या करना है हमें फर्स्ट ऑप्शन यानी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो चेक करना है, यानी ये लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है कहां से पाई बाई सिक्स से लेकर पाई बाई थ्री तक डी एक्स अपॉन में वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स, ये हमें देखना है पाई बाई सिक्स आता है क्या आता है. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे इसमें लिमिट जो पाई बाई सिक्स से लेकर पाई बाई थ्री है इसको तो एज इट इज रखा आई नाम देके आई इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नाम दे दिया अभी बाद में दे देंगे इसको. ये जो रूट ऑफ टेन एक्स है इसको आप साइन और कोस में ब्रेक कर लीजिए, डी एक्स बाई वन प्लस इसको हम लिख लेंगे रूट ऑफ साइन एक्स बाई रूट ऑफ कोस एक्स. और यदि इसका एलसीएम ले पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री एलसीएम जो है वो ऊपर चला जाएगा सोल्व होने के बाद, तो पहले ही लिख देता हूँ मैं रूट ऑफ कोस एक्स बाई में यहाँ एलसीएम रूट ऑफ कोस एक्स आया था वन है तो रूट कोस एक्स यहाँ आ जाएगा प्लस रूट कोस से रूट कैंसिल रूट ऑफ साइन डी एक्स ये आई आ गया. अब इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो सेकंड स्टेटमेंट में दे रखी है वो प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर देंगे. प्रॉपर्टी क्या है जो x है इसके स्थान पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है क्या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट उसमें से ये x को सब्ट्रैक्ट करके इसमें रख देना है. तो इसमें रखेंगे i इज इक्वल टू इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट लिमिट फ्रॉम पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री रूट ऑफ कोस, अब ये कितना है 30 ये कितना है 60 दोनों का क्या करना है एडिशन, 30 में 60 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 90, 90 को रेडियन सिस्टम में पाई बाई टू उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है एक्स माइनस एक्स, यही काम आपने नीचे भी करना है रूट ऑफ कोस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स. आई इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री पाई बाई टू के कारण कोस किस में चेंज हो जाएगा साइन में रूट ऑफ साइन एक्स, अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पाई बाई टू 90 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो फर्स्ट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है पॉजिटिव कर दिया, ऐसे ये वाला क्या आएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस साइन किस में चेंज हो जाएगा कोस में रूट ऑफ कोस एक्स डी एक्स ये बना. इसको हमने नाम दे दिया सेकेंड. अब आप क्या करें फर्स्ट व सेकेंड इक्वेशन को एड कर दीजिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, आई में आई एड होगा कितना आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, अब देखिए इंटीग्रेशन में अगर आपको सम करना हो तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट सम करना हो एक ही लिमिट के एक ही इंटीग्रेशन के साइन से
तो दोनों की लिमिट सेम होनी चाहिए, दोनों की लिमिट सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार ही इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिमिट लिख दिए पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री, और इनका डायरेक्ट सम कर सकते हो। डायरेक्ट सम यानी रूट ऑफ कोस एक्स बाई रूट ऑफ कोस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स बाई रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कोस एक्स, और इनके साथ ये क्या कर दिया हमने डी एक्स। ये नीचे देखिएगा डिनोमिनेटर है वो सेम है, रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स रूट कोस एक्स रूट कोस एक्स, यानी इसका हम अगर एलसीएम लेंगे पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री, तो एलसीएम आ जाएगा इसका क्या, रूट ऑफ कोस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, ये इसका क्या आ गया एलसीएम। ये वाला कैंसिल, रूट कोस एक्स प्लस कैंसिल रूट साइन एक्स। ऐसा होने के बाद ध्यान से देखिएगा इसको, ये बड़ा और ये बड़ा बिल्कुल एज इट इज है कैंसिल। क्या बच गया, वन वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा एक्स, अपर लिमिट पाई बाई थ्री लोअर लिमिट पाई बाई सिक्स, यानी टू आई इज इक्वल टू एक्स अपर लिमिट पाई बाई थ्री लोअर लिमिट पाई बाई सिक्स, टू आई इज इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई थ्री माइनस लोअर लिमिट पाई बाई सिक्स टू आई, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 30, 60 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे 30, 30 यानी क्या बच गया पाई बाई सिक्स, एंड आई इज इक्वल टू पाई बाई ट्वेल्व। अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ये लिमिट कितना होना चाहिए पाई बाई सिक्स, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग।